वेलकम टू कार देखो, वेयर वी हेल्प यू पिक द राइट कार राइट नाउ। आज हम कार देखो के गाड़ी स्टोर में और बात करने वाले हैं 2020 विटारा ब्रेज़ा के वेरिएंट्स के बारे में। तो टोटल इसमें आपको मिलते हैं चार वेरिएंट्स, एल, वी, जेड और जेड प्लस। अब इनमें से सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है, चलिए जानते हैं। लेकिन रुकिए, पहले जानते हैं इस नई विटारा ब्रेज़ा के कलर ऑप्शंस के बारे में सहायता लेके कार देखो ऐप की। इसमें आपको मिलते हैं टोटल 6 कलर ऑप्शंस, जो कि हैं मेटालिक सिजलिंग रेड, ऑटम ऑरेंज, ग्रेनाइट ग्रे, पर्ल आर्कटिक व्हाइट, प्रीमियम सिल्वर और टॉक ब्लू। इस लिस्ट में टॉक ब्लू और मेटालिक सिजलिंग रेड ब्रांड न्यू कलर ऑप्शंस हैं। और इनके साथ साथ आपको ड्यूअल टोन पेंट स्कीम भी मिलती है विद अ ब्लैक रूफ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी विटारा ब्रेज़ा बिल्कुल ही हटके दिखे, तो आपको चूज करना चाहिए है ग्रे कलर विद द ऑरेंज रूफ। पर्सनली हमें तो विटारा ब्रेज़ा का ग्रे विद द ऑरेंज रूफ बड़ा पसंद आया, लेकिन आपका फेवरेट कौन सा है बताइए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए अब करते हैं इंजन की बात। तो अब विटारा ब्रेज़ा में वो 1.3 लीटर का डीजल इंजन नहीं आता, आता है तो बस एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो हमने पहले देखा है अर्टिगा और सियाज जैसी गाड़ियों में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अर्टिगा और सियाज जैसे ही ब्रेज़ा में भी एक 1.5 लीटर डीजल आने वाला है। वेल, सैडली इसकी आने वाले एक साल तक तो कोई संभावना नहीं है, और अगर आप ढूंढ रहे हैं एक डीजल गाड़ी तो आपको दूसरे ऑप्शन कंसिडर करने पड़ेंगे। खैर, ये 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन बनाता है 105 हॉर्स पावर एंड 138 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ट्रांसमिशन की मैं बात करूं तो इसमें अवेलेबल है एक 5 स्पीड मैनुअल और एक 4 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक। तो पेट्रोल ब्रेज़ा आखिर चलाने में कैसी है, हमारा रिव्यू है लाइव और वो आप चेक कर सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। जो बेस मॉडल है एल वेरिएंट, वो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद के सभी वेरिएंट्स में आपको ऑटोमैटिक ऑप्शन भी मिल जाता है। शुरुआत करते हैं वेरिएंट एक्सप्लेनेशन विद द बेस वेरिएंट LXi। इसमें आपको ये सारे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। अगर रियर हेडरेस्ट या फिर रियर पार्सल ट्रे जैसे स्लीव मिसेस को साइड में रख दिया जाए, तो ये ब्रेज़ा का बेस वेरिएंट भी काफी फीचर लोडेड साबित होता है। अगर पुराने LDi वेरिएंट से कंपेयर करूं तो इसका प्राइस लगभग 30,000 रुपए से कम हुआ है और आपको उससे फीचर्स भी ज्यादा मिलते हैं। एक्सटीरियर की बात की जाए तो ये LXi वेरिएंट बेस वेरिएंट जैसा नहीं लगता, क्योंकि सामने की तरफ आपको इसमें मिल जाते हैं हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प और पीछे की तरफ वो सेम टॉप स्पेक जैसे LED टेल लैम्प भी मिलते हैं। और तो और, यहाँ पे आपको बॉडी कलर्ड बम्पर्स और बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स भी दिए जाते हैं। टर्न इंडिकेटर्स भी ORVMs पे स्टैंडर्ड आते हैं। ये फीचर तो पहले सिर्फ Z प्लस वेरिएंट में अवेलेबल था। और तो और, इसको वो टफ SUV लुक देने वाले स्किड प्लेट्स और क्लैडिंग इस वेरिएंट से ही मौजूद है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको रूफ रेल्स नहीं मिलेंगी, और तो और, जो स्टील व्हील्स हैं उनके ऊपर व्हील कैप्स भी नहीं दिए गए हैं। लेकिन अगर आप आफ्टर मार्केट जाके इसमें अलॉय व्हील्स लगवा लें अपने पसंद के, तो इस गाड़ी का लुक काफी कंप्लीट लगेगा। गाड़ी के अंदर बैठे तो भी आपको यहाँ पे काफी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि चारों दरवाजों में दिए गए हैं पावर विंडोज, आपको मिल जाता है एक 2 DIN ऑडियो सिस्टम विद 4 स्पीकर्स, और तो और, क्योंकि इस गाड़ी में दी गई है एक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री और क्रोम का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया है कैबिन में, ये दिखने में भी ज्यादा बेसिक नहीं लगता। तो अच्छी बात यह है कि बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी इसमें बेसिक सेफ्टी अच्छे से कवर्ड है। आपको मिल जाते हैं डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD और रियर पार्किंग सेंसर्स। तो ये वेरिएंट ओवरऑल खरीदने लायक तो है, क्योंकि एक बजट पे भी आपको अच्छे फीचर्स दे रहा है, लेकिन सिर्फ तभी कि आप टाइट बजट पे हों। अगर आपको चाहिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, तो वो है अगला वाला, जो कि है VXi। अगर आपने विटारा ब्रेज़ा खरीदने का डिसीजन ले ही लिया है और अपनी पुरानी गाड़ी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वो हमें दे दीजिए। आइए कार देखो गाड़ी स्टोर पे और सेल करिए अपनी पुरानी गाड़ी बस एक विजिट में। अब बात करते हैं VXi वेरिएंट के बारे में। तो यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट के कंपैरिजन में 1,00,000 रुपए तो ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन वो अच्छे से जस्टिफाई हो जाता है इसकी लंबी फीचर लिस्ट में। बाहर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं डुअल बैरल प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद DRLs, और ये जो डे टाइम रनिंग लैंप्स हैं, ये आपके इंडिकेटर्स का भी काम करते हैं। और तो और, यहाँ पे आपको रूफ रेल भी मिलती है, और वो जो स्टील व्हील्स हैं उसके ऊपर आपको व्हील कवर्स भी दिए जाते हैं।
गाड़ी अनलॉक करने के लिए आपको चाबी नहीं ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है कीलेस एंट्री और तो और गाड़ी के अंदर पुश बटन स्टार्ट की सुविधा भी आपको दी गई है। गाड़ी के अंदर बैठ के आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और तो और इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग ओवरियम भी मिल जाते हैं। और भी छोटी छोटी कन्वीनियंसेस जैसे कि ग्लव बॉक्स में लाइट, फुटवेल में लाइट या फिर सीट बैक पॉकेट भी मारुति इस वेरिएंट से आपको दे रहा है। और तो और रियर हेडरेस्ट और रियर डिफॉगर भी आपको इसी वेरिएंट से मिल रहा है। इस वेरिएंट में अगर रियर वाइपर मारुति दे देता तो ये परफेक्ट बजट वेरिएंट हो जाता, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो वी वेरिएंट है ये वाकई वैल्यू फॉर मनी साबित होता है, भले ही आप गाड़ी मैनुअल ले रहे हो या ऑटोमेटिक। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है ये मैनुअल से लगभग 140,000 रुपए महंगा है, लेकिन इसके साथ आपको मारुति की स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलती है। आप डेफिनेटली ये वेरिएंट कंसिडर कर सकते हैं, बट वीड रिकमेंड कि अपने बजट को थोड़ा और बढ़ाइए और जाइए जेड वेरिएंट की तरफ। ZXI वेरिएंट में आपको बहुत सारे फील गुड फीचर्स मिल जाते हैं। बाहर की तरफ जो रूफ रेल्स हैं अब वो गन मेटल ग्रे में फिनिश्ड हैं और तो और यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं 16 इंच के फिनिश्ड इन अ ब्लैक कलर, और जो सामने की स्किड प्लेट थी वो अब ब्लैक से सिल्वर हो गई है, तो गाड़ी बाहर से देखने में अब और भी अट्रैक्टिव लगती है। कैबिन का एम्बियंस भी यहाँ पे बेटर हो जाता है क्योंकि जो इनसाइड डोर हैंडल्स हैं वो अब आपको मिलते हैं फिनिश्ड इन क्रोम। पियानो ब्लैक का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया है सामने सेंटर कंसोल पे और एसी वेंट्स में, ये डेफिनेटली आपको एक अप मार्केट फील देता है। फाइनली इस वेरिएंट में अब आपको मारुति का स्मार्ट प्ले टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है जिसके साथ आता है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का फोन कनेक्टिविटी, और तो और जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं अब वो कॉल्स के लिए भी ऐड हो गए हैं, प्लस इस वेरिएंट से आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल रहा है। अब इस वेरिएंट के लिए जो आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा पुराने वेरिएंट के ऊपर वो है लगभग 75,000 का, तो क्या ये डिजर्विंग है? डेफिनेटली, क्योंकि चलिए मान लीजिए कि आप पुराने वाले वेरिएंट पे अगर अपना खुद का टच स्क्रीन लगवाते हैं, अलॉय व्हील्स लगवाते हैं, तो लगभग 50-60,000 के आसपास का खर्चा तो आपका वैसे भी होने ही वाला है। थोड़ी और पर्स ढीली कर लीजिए और ये वेरिएंट ले लीजिए, इसमें आपको क्रूज कंट्रोल और स्टीयरिंग माउंटेड कॉल बटन की सुविधा भी मिल जाती है। चलिए मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, जल्दी से कार देखो गाड़ी स्टोर पे आइए और पुरानी गाड़ी को सेल करने पे हम आपको 11,000 रुपए का कैश बोनस भी देंगे, ये ऑफर सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं विटारा ब्रेज़ा के टॉप मॉडल को जो कि है ZXI प्लस, और उसमें अवेलेबल हैं ये सारे फीचर्स। Honestly, ZXI Plus में जो एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल रहे हैं आप डेफिनेटली उनके बिना भी आराम से रह सकते हैं। बाहर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे डायमंड कट अलॉय व्हील्स और यहाँ पे फैक्ट्री ऑप्शन आपको मिल जाता है एक ड्यूअल टोन पेंट का, लेकिन हाँ उस ड्यूअल टोन पेंट के लिए आपको 25,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। कैबिन के अंदर आपको तीन बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो स्टीयरिंग व्हील है उस पर अब आपको मिल जाता है एक लेदर रैप, आपको मिल जाता है एक सेंटर आर्मरेस्ट कंफर्टेबली ड्राइव करने के लिए, और जो सीट बेल्ट है वो भी हाइट एडजस्टेबल हो जाती है। टच स्क्रीन तो सेम 7 इंच का ही रहता है, लेकिन अब 4 की बजाय 6 पिकोस हो जाते हैं क्योंकि इसमें ऐड हो जाते हैं 2 ट्वीटर्स, और तो और यहाँ पे एक रिवर्सिंग कैमरा भी आपकी टाली में जुड़ जाता है। ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटो वाइपर्स, ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर और एक कूल ग्लव बॉक्स भी यहाँ पे आपको मिलता है। अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो हमें लगता है कि यहाँ पे मारुति कुछ और भी फीचर्स देके इस पैकेज को और भी दमदार बना सकती थी, जैसे कि इसमें मिल सकता था एक सनरूफ, एक बेटर MID सिस्टम विद अ कलर डिस्प्ले या फिर एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और हाँ इसमें साइड एंड कर्टेन एयरबैग्स तो जरूर होने चाहिए थे। रफरी सेम प्राइस में अगर आप वेन्यू की तरफ देखते हैं तो वहां पे आपको मिलता है SX वेरिएंट और उसमें आपको मिल जाता है एक सनरूफ, और अगर आप नेक्सॉन की तरफ देखते हैं तो वहां पे आपको मिल जाता है XZ प्लस वेरिएंट, जो ना ही सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम के साथ आता है, प्लस उसमें आता है एक 8 स्पीकर का हरमन का साउंड सिस्टम। अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट की प्राइसिंग की तरफ देखते हैं तो आपको उसमें इको स्पोर्ट मिल सकती है जो कि आती है एक बेटर 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, और तो और फीचर्स में उसमें आपको मिल जाता है एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एक सनरूफ और डेफिनेटली साइड एंड कर्टेन एयरबैग्स। तो अगर फोर्ड अपनी गाड़ी को इतना कम्पिटिटिवली प्राइस कर सकता है तो हमारी उम्मीद मारुति से तो थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। ये तो हो गई सारे वेरिएंट्स की डिटेल में बात, अब नज़र डाल लेते हैं इसके सिंगल लाइन वर्डिक्ट्स पर।
That's it for this video and thank you so much for watching. हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प तो जरूर करी होगी और आपके कोई रिश्तेदार या दोस्त भी Vitara Brezza लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर कीजिए. सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, अब वो बेल आइकॉन भी दबा दीजिए क्योंकि जब भी हम एक वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा.